गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। गाइस अभी मैं पता नहीं अभी जा रहा हूँ मैं निवान कुछ के मम्मी को छोड़ने। ये जा रहे हैं मैरिज को, मेरे ससुराल में मैरिज है चाचा जी की लड़की की, तो मैं तो नहीं जा पा रहा। कुछ निवान और कुछ की मम्मी जा रहे हैं, तो मैं इनको अभी छोड़ने जा रहा हूँ। तो ये देखो ये हो गए हैं तैयार, चुन्नू मुन्नू हो गए तैयार। चलो नीचे, कहाँ जा रहे वापिस आप? दादी को बाय करो, दादी को बाय कर नीचे। गजब बेइज्जती है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, इस लगन में दो शादियां हैं, एक मेरे ससुराल में और एक है मेरी बुआ के यहाँ, लोकल ही है, तो वो यहाँ पास ही है, मैं आपको दिखाता हूँ। चले तो गाइस ये रहा बुआ का घर, ये है टेंट लगा हुआ, देखिए। तो यहाँ पे भी शादी है बुआ के लड़के की। निवान इधर आ, मेरे से बात तो कर ले। ये क्या हो रहा है? तूने क्या करना इसमें से? डॉगी आया पीछे से, देख वो नहीं खा लेगा मेरे। क्या जोर से बोल? स्टंट वाली बाइक चाहिए। स्टंट वाली बाइक चाहिए किसको? आपको क्या करनी है आपने? वो है क्या क्या करना? चलानी? तो गाइस बस आ गई है, हैं? जाओ तुम ऊपर जाओ, इसको पकड़ो पहले। गाइस अभी बस में बिठा दिया है इनको। तो हमारा भी जस्ट प्लान बना है मलाना जाने का, तो चलो चलते हैं मलाना। गाइज यहाँ से मुड़ेंगे हम मलाना के लिए, ये डुंखरा प्लेस है, ये जाता है यहाँ से मलाना विद्युत गिरी 500 मीटर। गाइज अभी पहुँचे हम मलाना, देखिए ये है मलाना गांव, ये कॉर्नर पे है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का दिख रहा है। देखिए बर्फ, मलाना का स्कूल है प्राइमरी स्कूल। रिया बोला, ये देखिए देवदार का पेड़।
रियाजी। ये रहा मलाना गांव, ये देखिए यहाँ के पहाड़ देखिए। ये तो पतला सा दूध है, बकरी है ना। अच्छा, ये सारे बॉडीगार्ड है आपके? ये मेरा बॉडीगार्ड है। चलो अच्छा, कितनी बकरी है आपके पास? 8-10 है। ये तो दो बकरी आया सुबह के देने वाले ना। अच्छा, हाँ हाँ, गया ऊपर वो बाकी नहीं। चलो अच्छा है। कहाँ से? कुल्लू से। ये देखिए गरारी, पहाड़ों की गरारी देखिए। तो जाना है, केल लेना तो एक्सपीरियंस है। एक से चुट्टी रही सांचा पा रहे। चला रहे दोबारा ना। ये देखिए गाइस, ये चल पड़ी है और नीचे से इसमें माल लोड कर दिया होना और वो सीधा ऊपर आ जाएगा। ये आया गाइस नीचे से, देखिए आई थिंक रेत या बजरी है इसमें। नीचे के इंजन लगा भाई, इंजन से ना। ये अयोध्या कैफे कितनी दूर पड़ेगा पता नहीं? कैसे पता नहीं भैया, ऊपर है क्या? आगे और आगे हो। हाँ जी, ग्रारी ना पैन ना किधर। देखिएगा इस गांव में बॉडी पानी, गांव में इनके नेचुरल सोर्स है। ये यहाँ के घर हैं और ये लकड़ी का इंतज़ाम कर रखा है गांव वालों ने, क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है और जब बर्फ़ पड़ती है तो फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो देना था हर घर में आपको लकड़ी का स्टोर मिलेगा। ये देखिए बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी कर रखी है। हेलो, ये देखो हर घर पे लकड़ी रखी हुई है, हर घर पे। ये देखिए जो भी घर दिख रहा है हमें उसमें लकड़ी इकट्ठी करके रखी हुई है। सर्दियों का इंतजाम है। तो बोले ऋषि जमदग्नि ना, जमदग्नि ऋषि जमदग्नि का। ये गांव के पूरे बच्चे इकट्ठे हो रखे हैं। ये देखिए कोई खेल रहा है, सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। कोई साइकिल चला रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है। ओ मारा उसने, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। सारे गांव वाले एक एक जगह ही गांव है तो सारे गांव वाले यहाँ इस ग्राउंड में इकट्ठा हो जाते और आराम से बैठ हो जाए। चैन की ज़िंदगी, चैन की वेशभूषा है। टोपी देखिए, जैकेट देखिए। मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस हुआ चिल गांव कह सकते हैं उसको, क्योंकि यहाँ के लोग एकदम चिल होके बैठे हुए हैं। कोई टेंशन नहीं है जिंदगी, आराम से। मेरे को जाना पड़ेगा। ₹5,000 का जुर्माना है इस पवित्र स्थान को छूने के लिए। ये ऋषि जमदग्नि का है, जमदग्नि ऋषि। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये इनका प्राचीन मंदिर है ऋषि जमदग्नि का। तो मैं थोड़ी सी आपको झलक दिखाता हूँ यहाँ की। तो गाइस इस मंदिर को छूने पे भी जुर्माना है। ये देखिए यहाँ की एंट्री गेट है।
ये रियल सींग है जो यहाँ लगा रखे हुए हैं। ये भी सर रियल पल है, ये हिरन है ना थी, है ना। ये देखिए गाइस हिरन का, ये देखिए सारे सिर जो ये सींग जो सारे लगा रखे हैं ये रियल है, सिर्फ कुछ उसको छोड़कर ये लकड़ी का बना रखा है ये वाला, बाकी सब रियल है। फोटो देख, हैं फोटो, हाँ ये हरीश जमदग्नी वा ये फोटो, हाँ पर वो इन्नी लग रहे था कुछ नहीं थे, हाँ हल्का लग रहे था भाई, ढंगे है, हाँ ये तो मंदिर लग रहे था रा, हाँ ता को खुला सा खुला है, पुराना होना मंदिर है अगर इस स्थान को छुआ भी तो 3500 रुपये का जुर्माना है। ये हो इसका मंदिर भाई पुराना, क्योंकि ये पुराना मंदिर भाई, क्या नाम है? दीपक नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दादा है दार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? धार, धार क्लास है। स्कूल का क्या नाम क्या है? स्कूल का क्या नाम है? धार। धार है, और क्लास कौन सी है? पता है। तो गाइस अभी हमें पहुंचना है वहां पे, आते हुए तो हमें कम से कम 1.5 घंटा 1 घंटा लग गया था, अभी देखते हैं कितना टाइम लग सकता है जाते हुए। अब तो गाइस ये है वो गरारी जो चल रही है, ये देखिए ध्यान से देखिए, जिसमें बजरी ढोई जा रही है। रुकने ना ग्रान, रम्मी झंड खेला, झंडे खेला आ जाओ भाई मलानिए। आज भाई मेरे पहुंचे तक नहीं ढंग का आज, हां एक बारी तो मैं दोस्त आ नो खूब पर लाए थे आना, ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਜ਼ਾ ਰੋਂ ਮੋਟਾ ਇੰਜੋਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਸ ਅਗਰ ਆ ਸਕਦਾ ਬੁੱਕ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਗੱਜੂ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜੁਕ ਸੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਉਸ ਜਦ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਹੋ ਚੱਕੋ ਹੱਥੇੜਾ ਏੜ ਵਾਲ ਜਿਹੜ ਜੋ ਵੀ ਥੱਕਰੀ ਸਾ ਨਾ ਸੋ ਸਾਰੀ ਥਕਾਨ ਦੂਰ ਨੋਟੀ ਤੇਰੀ
इंजन लग रहा है गुम है यूं पानी इंजन रहा मैडम बड़े बारी क्वेश्चन पूछो वो मैडम लाए वो एक क्वेश्चन पूछने क्या पता क्या हो गया भाई नथिंग जस्ट फोटो ले अच्छा अच्छा हां नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं 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 ये सही है बॉय एक्सीडेंट हुई ना मेरा झंडा है बाइक बंद है खाई पिया अच्छा बाइक बंद है ये पोर्शन बच रहा मेरा झंडा है ये पोर्शन तब तो ठंड है दा वो मिलाना वन है ना मिलाना वन से चली बहुते एड़ा एनवायरनमेंट एक बारी चल रहा हूँ मनी करने पे भाई ठीक से ना बस ना एक बंदे जब तो भाई सोलो पर पूछने का है ना जब एक बूटे जान दिया रहा हूँ मैं इतना खुश हूँ तो भाई तेरी घर से दापन दोस्त को फोन ना वो इधर को मैं एक बात दिखाता हूँ बोला कुछ दिखाता हूँ इधर को मैं बता ही पता नहीं की रहा है बात कुछ यहाँ देख कितना बड़ा बड़ा पेड़ है देखा देखा था ना है कहाँ तेरी लाई वो यार वो इतना बड़ा बड़ा पेड़ इतना बड़ा बड़ा पेड़ यार बहुत अच्छी जगह है यार बहुत अच्छी जगह है यार पेड़ है यार बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है मोटा कच बड़ा सब बुटे है यार मजा कितना रख करना पड़ता आज तो पूरे आंच फूट ही ले मारे मैं कहा आज तो पूरे आंच फूट रह के जीवा थेरेपी हुई हट जा